Now this is a formula based question. A battery is used to charge a parallel plate capacitor till the potential difference between the plates becomes equal to the electromotive force of the battery. The ratio of energy stored in the capacitor and the work done by the battery is. तो देखो यहाँ पर क्या है, यू हैव अ कैपेसिटर विच इज बीइंग चार्ज बाय यूजिंग अ ईएमएफ, बैटरी ऑफ ईएमएफ ई मान लो, इसका कैपेसिटी कितना है सी। तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ई इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वेयर, राइट। बाद में वर्क डन बाय बैटरी, इसका भी आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, वो वर्क डन क्या होता है सी वी स्क्वेयर होता है, राइट। उसने पूछा है रेशियो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर टू द वर्क डन बाय बैटरी इज हाफ सी वी स्क्वेयर बाय सी वी स्क्वेयर, ये चला गया, बचेगा क्या 1/2। तो 1/2 मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट।